हाय गाइस, एक बार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। गाइस, आज हम लोग कंसंट्रेशन का दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे। दूसरा प्रोसेस है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसा कि पहला प्रोसेस फेन पलोन विधि के रूप में हम लोगों ने कल पढ़ा या इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा, तो आज हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि पर चर्चा करेंगे, कैसे और किसका इस विधि से सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान रहे, इस विधि से हम लोग उन्हीं अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं जिसमें से अयस्क आपका चुंबकीय प्रकृति का हो और गैंग आपका नॉन मैग्नेटिक अर्थात चुंबक के प्रकृति का ना हो। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि उन्हीं अयस्कों का सांद्रण इस विधि से संभव होता है जिनमें से अयस्क अथवा गैंग में से कोई एक कैसा हो, नॉन मैग्नेटिक हो और दूसरा मैग्नेटिक हो, तो हम आसानी से उसका सांद्रण इस विधि से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, टिन स्टोन। कौन सा? टिन स्टोन, जिसे हम SnO2 से प्रेजेंट करते हैं और साथ में क्या रखेंगे, वेल फ्रॉम टंगस्टन का अयस्क होता है और ये आपका टिन का ऑक्साइड होता है। ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है और ये मैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? SnO2 अर्थात टिन स्टोन किस नेचर का होता है? नॉन मैग्नेटिक होता है अर्थात अचुंबकीय होता है। जबकि वेलफ्रॉम का जो अयस्क होता है, वेलफ्रॉम जो अयस्क होता है वो आपका कैसा होता है, चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो अब एक चुंबकीय प्रकृति का है और एक चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल। आपके पास देख रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है। अब इस यंत्र, आपके सामने एक यंत्र बना हुआ है, आप इसका एक बार पार्टिंग करेंगे अर्थात इसके एक एक पार्ट का वर्णन हम कर सकते हैं या जान सकते हैं उसके बारे में कौन सा पार्ट क्या है। तो ध्यान दें, यहाँ पे आपके ये दो रोलर लगे हुए हैं, ये पहला और दूसरा, दो रोलर आपके। इसमें से ये वाला रोलर आपका क्या है, मैग्नेटिक है अर्थात इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, इस पर चुंबक का पूरा प्रभाव होता है या ये चुंबक के पर पूरा प्रभाव डालता है। जबकि यहाँ पे ये वाला जो है आपका नॉन मैग्नेटिक रोलर है, इसमें कोई चुंबक का अर्थ नहीं है। और इन दोनों ही रोलरों पर क्या लगा होता है, एक बेल्ट अर्थात पट्टा लगा होता है जो एक निश्चित दिशा में रोटेट करता रहता है। यहाँ पे हमने आपको इंडिकेट कर दिया है कि किस दिशा में रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा यंत्र सेट होता है और ठीक इस बेल्ट के ऊपर एक हॉपर लगा होता है जिसकी सहायता से हम क्रस्ट ओट अर्थात, क्रस्ट माने क्या होता है, क्रस्ट माने पिसा हुआ, पिसे हुए ओर को यहाँ पे डालते हैं यहाँ से। और ये जैसे ही बेल्ट पर गिरता है आगे एक निश्चित दिशा में, जिस तरफ रोटेट कर रहा है उसी दिशा में जाके एक दूसरे छोर पर जाके क्या हो जाता है, ये गिरने लगता है। और इसी गिरने के दौरान दो कंडीशन बन जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक ग्राही लिया हुआ है, इस ग्राही के दो भाग हैं, एक भाग अंदर का है और एक बाहर का है अर्थात एक बाएं तरफ का है एक दाएं तरफ का है। जो अंदर का पार्ट है, यहाँ पे अंदर का जो हमारा पॉट है, उस पॉट के आंतरिक सतह पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेटिक, क्या लग रहा है, मैग्नेट लगा हुआ है। तो ऐसे में ये आपका मैग्नेटिक पॉट हो गया और ये नॉन मैग्नेटिक पॉट हुआ क्योंकि इसके आंतरिक सतह पर मैग्नेट का कोई लेयर नहीं लगा हुआ है। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, जब ये आपका घूर्णी पहिया या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक रोलर हमारा, या रोलर के दोनों ही रोलर आपके चल रहे होते हैं एक निश्चित दिशा में किसी मोटर के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉपर की सहायता से पीछे हुए अयस्क को उस पट्टे पर गिराते हैं जिससे वो अयस्क जब एक दूसरे छोर पर पहुंचता है तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर के पार्ट होते हैं जैसे कि गैंग्स वगैरह, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब, ये झटके के साथ जाके दूर वाले पार्ट में गिरते हैं। जबकि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक स्वभाव का
अयस्क होगा तो उस पर चुंबक का प्रभाव होगा, वो चिपका रहेगा जो मैग्नेटिक रोड से, परंतु वो जाकर तब अलग होगा, तब गिरेगा जब ये ठीक मैग्नेटिक पॉड के सामने पहुंचता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो चुंबकीय प्रकृति का आपका पदार्थ होगा वो सीधा आके चुंबकीय बर्तन में गिरेगा, अंदर की तरफ गिरेगा, जबकि जिन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता अर्थात गैंग्स वगैरह, ये झटके के साथ कहाँ जाके गिरती हैं, दूसरे चैम्बर में गिरती हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को कई बार यह प्रक्रम दोहरा कर एक दूसरे से सेपरेट या आइसोलेट कर लिया जाता है। तो ये था हमारा चुंबकीय प्रोसेस, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक बार कंक्लूजन पर आएंगे, एक बार पुनः समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें चुंबक का महत्व है, कुछ न कुछ मैग्नेटिक चीज़ों की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण विधि के लिए किस प्रकार के एस का सांद्रण करना होगा, उसके लिए हम एक ऐसे एस का सिलेक्शन करते हैं जिसमें अयस्क और गैंग दोनों में से किसी एक का नेचर नॉन मैग्नेटिक हो और दूसरे का मैग्नेटिक हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या यहाँ पे लिया है, हमने टिन स्टोन और वेल फ्रॉम का मिक्सचर लिया है। टिन स्टोन नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है, जबकि वेल फ्रॉम कैसा होता है, वेल फ्रॉम आपका मैग्नेटिक नेचर का होता है। ये अब आपका एक अयस्क होता है, वेलफ्रॉम टंगस्टन का अयस्क होता है, तो ये मैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि टिन स्टोन कैसा होता है, नॉन मैग्नेट। इस मिश्रण को जब भी हम कहाँ से हॉपर की सहायता से पट्टे पर गिराते हैं तो ये दोनों ही जैसे ही एक छोर पर पहुँचती हैं, उस छोर पर पहुँचकर जिसमें तो नॉन मैग्नेटिक प्रॉबलिटी है या नॉन मैग्नेटिक जिसकी प्रकृति है, वो झटके के साथ दूर जाके गिरता है, जबकि जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो रोलर के साथ चिपका रहता है, और जैसे ही वह मैग्नेटिक पॉड के सम्मुख आता है या मैग्नेटिक पॉड के निकट आता है, मैग्नेटिक पॉड इस अयस्क को या चुंबकीय प्रकृति वाले पदार्थ को अपने तरफ खींच लेता है और आपका चुंबकीय पदार्थ इस प्रकार से उस चैम्बर में या उस ग्राही में कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया, राइट। तो गाइस, अब हम लोग सांद्रण की तीसरी विधि का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तीसरी विधि इनका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से जाना जाता है। अब इस विधि का प्रयोग किरेस्कों को सांद्रित करने के लिए किया जाता है, इसके बारे में जानना है। तो ध्यान रहे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसके भी नाम में अर्थ छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर गुरुत्व शब्द आ रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण का बोध हो रहा है, तो ऐसे में कौन से अयस्क का सांद्रण करने के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, बड़ा ही स्पष्ट है कि जिनके गुरुत्व ज़्यादा हों, ऐसे अयस्क जिनके गुरुत्व अधिक हों, अर्थात जो भारी होते हैं, कैसे होते हैं, जो भारी होते हैं, ऐसे अयस्कों का सांद्रण हम करेंगे। लेकिन अयस्क तो भारी होगा, पर हम किसको आइसोलेट करना चाहते हैं, हम उनके अंदर उपस्थित इनप्योरिटीज को आइसोलेट करना चाहते हैं, जिसको हम गैंग या आधात्री के रूप में जान रहे हैं। तो ऐसे आधात्रियों जो हल्के हों, काफी लाइट वेट का होता है, ये आधात्री एक भारी अयस्क से आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे में हम उसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे कि आयरन के ऑक्साइड अयस्क काफी भारी होते हैं, इन ऑक्साइड अयस्कों में कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल जो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, वो ऑलरेडी मिले होते हैं, तो इन छोटे छोटे गैंग्स को हम उस ऑक्साइड अयस्क से सेपरेट करने के लिए यानी आइसोलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे पीस लेते हैं और पीसे हुए अयस्क को एक ढाल नुमा स्थान के ऊपरी हिस्से में रख लेते हैं और तेज जल की धारा में उसे धोते हैं। तेज जल का प्रवाह करेंगे, उस प्रवाह में उसे धुला जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, गैंग के अंदर जो
हल्की अशुद्धियां हैं वो जल के बहाव के साथ बहकर निकल जाती हैं, जबकि भारी अयस्क क्या करते हैं, भारी अयस्क यहाँ से कुछ झटके के साथ कुछ कण उसके चले आएंगे सेकंड खंड में, यानी सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, और यहाँ धीरे धीरे जल का प्रभाव यानी जल का प्रवाह धीमा होता जाएगा। जैसे जैसे धीमा होता जाएगा वैसे वैसे भारी अयस्क क्या होगा, इनका मोमेंट कम होता जाएगा। तो इस तरीके से जब तीव्र जल का प्रवाह किया जाता है तो उस जल के बहाव के साथ साथ हल्की अशुद्धियां हल्के गैंग्स बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क इन खांचों में सेट हो जाता है, बैठ जाता है। बाद में प्रकरण पूरा होने के बाद हम इसे खांचों से बाहर निकाल लेते हैं तो यही आपके सांद्रित अयस्क हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम सांद्रण आसानी से पूरा कर लेते हैं। अब ये सबसे आसान तरीका होता है सांद्रण का, तो अब इसका प्रयोग हम लोग जब आयरन के अयस्कों से आयरन का निष्कर्षण करेंगे पुनः इसका इस्तेमाल होगा, वहाँ एक बार फिर से इस चीज को पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकरण को पूरा करेंगे। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा ये कैसे प्रकरण होता है। एक बार कंक्लूजन पर आ जाइए, बड़ा ही आसान होता है। शर्तें क्या है, इस विधि से हम उन अयस्कों का सांद्रण करेंगे जो अयस्क तो भारी होता है पर उनमें उपस्थित इनप्योरिटीज यानी गैंग्स हल्के हों, जैसे कि ऑक्साइड अयस्क, आयरन का ऑक्साइड अयस्क, हेमेटाइट और ऑक्साइड और इसके जितने भी होते हैं आयरन के वो आपके भारी अयस्क होते हैं और उसमें उपस्थित इनप्योरिटीज यानी उनमें उपस्थित गैंग्स जैसे क्या क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हल्के होते हैं, वो उन्हें उनको एक दूसरे से अलग करना है अगर, यानी हेमेटाइट से अलग करना है तो इस विधि का प्रयोग हम कर लेते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, पिसे हुए अयस्क को ऊपरी खांचे में रखकर यानी खांचे के ऊपरी सिरे में रखकर तीव्र जल का बहाव देते हैं अर्थात जल का प्रवाह करते हैं। जल के प्रवाह से क्या होगा, इस अयस्क के अंदर उपस्थित गैंग्स यानी हल्के गैंग्स जल के बहाव के साथ साथ बहकर अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं या निकल जाते हैं, जबकि भारी अयस्क इनके खांचों में रह जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल का तीव्र प्रभाव था, यहाँ से खांचे से कुछ अयस्क के कण भी निकलकर यहाँ चले, लेकिन जब यहाँ रुक जाएंगे तो अब जल का प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा। ऐसे में अब इनका मोमेंट भी कम हो जाएगा, तो कुछ अगर और झटके के साथ चला गया तो यहाँ चला, ऐसे कई स्टेप में ये जाता है और अंततः जब गैंग्स बहकर निकल जाते हैं तो खांचों से हम क्या करते हैं, इनको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का वर्णन। तो गाइस अब कंसंट्रेशन का चौथा और अंतिम प्रोसेस हमारे पास आता है, निचालन यानी लीचिंग प्रोसेस। मैंने आपको उस दौरान चर्चा में बताया था जब इनकी शमरी बना रहे थे कि इसके पहले के जो तीनों प्रक्रम हमारे पास आए हैं यानी फेन फलवन विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये तीनों विधियां भौतिक प्रक्रम के रूप में आई हैं यानी फिजिकल प्रोसेस के फॉर्म में है, लेकिन ये जो चौथी विधि है कंसंट्रेशन की यानी लीचिंग, ये आपका टोटली केमिकल प्रोसीजर है अर्थात रासायनिक प्रक्रम है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब लीचिंग कहते किसे हैं, शर्त क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, लीचिंग की शर्त ये है कि जब कोई अयस्क इस प्रकार हो कि वो किसी रेजेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाए यानी घुल जाए, लेकिन गैंग उस रेजेंट के अंदर आबले हो यानी इनसॉल्युबल हो, तो ऐसे में गैंग को छान कर हटा दिया जाएगा और ये जल में आसानी से खुले रूप में प्राप्त होगा। तो शर्त क्या है इसकी, कि जब किसी अयस्क से या अयस्क में कोई रेजेंट कोई विलयन इस प्रकार मिलाया जाए कि अयस्क उस विलयन के अंदर सॉल्युबल हो जाए घुल जाए, लेकिन उनमें उपस्थित गैंग कैसे हो, इनसॉल्युबल हो आबले हो। तो इस प्रकार से एक को सॉल्युबल करके और गैंग को आबले रूप में अलग करके
हटाना एक दूसरे से क्या हो जाता है, निचालन कहलाता है। तो निचालन का प्रक्रम बहुत ही आसान है, शर्त इसकी एक बार पुनः सुनना है। क्या है शर्त इसकी, कि जब किसी अयस्क को किसी उचित अभिकर्मक के साथ अभिकृत कराया जाता है तो अयस्क उस अभिकर्मक में विलय हो जाता है, जबकि गैंग्स आविलय रह जाते हैं। आविलय गैंग को छान कर अयस्क से हटा दिया जाता है। इस प्रकार कि निष्कर्षण प्रक्रम को या आइसोलेशन प्रक्रम को लीचिंग कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जब हम एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड का सांद्रण करते हैं तो उस दौरान हम आसानी से उसमें उपस्थित गैंग्स, सिलिका और फेरिक ऑक्साइड, इनको आसानी से दूर कर सकते हैं आविलय रूप में। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2O। ये हमारे पास बॉक्साइड है, इसका फॉर्मूला है। जैसे ही बॉक्साइड में एक उचित रिजेंट अर्थात NaOH का विलयन मिलाते हैं और इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं तो आपका बॉक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एलुमिनेट नामक लवण बनाता है जो आसानी से जल में या विलयन में सॉल्वल होता है, घुला होता है। जबकि इसमें उपस्थित अशुद्धियां यानी गैंग्स कौन कौन से, सिलिका का हो या फिर फेरिक ऑक्साइड का हो, ये आविलय रूप में रह जाती हैं, इन्हें छानकर हटा दिया जाता है। इस प्रकार ये बॉक्साइड के अयस्क से आइसोलेट हो जाता है। लेकिन अब बॉक्साइड का अयस्क हमारा किस रूप में कन्वर्ट हो चुका है, सोडियम मेटा एलुमिनेट के रूप में हो चुका है। इसे पुनः हम इसके मूल घटक यानी मूल कंपोजिशन में लाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से गैंग को छानकर हटाने के पश्चात शेष बचे हुए छनित विलयन में थोड़ी मात्रा में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। इसके मिलाने से सोडियम मेटा एलुमिनेट जल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बना लेता है, साथ में NaOH विलयन भी बन जाता है। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर हटा लिया जाएगा, जल में धो लिया जाएगा और साथ ही साथ इसको सुखा लिया जाता है। धोकर जल में धोकर और इसे सुखा लिया जाएगा। सुखाने के बाद इसका हम तापीय अपघटन करते हैं लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो इस दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इस दौरान ये एल्मोना में कन्वर्ट हो जाता है यानी Al2O3 में आसानी से चेंज हो जाता है। अब ये सॉलिड स्टेट में तैयार होगा, जल वाष्प बनकर इसमें निकल चुकी होती है। यही Al2O3 ही क्या है, बॉक्साइड का सांद्रित रूप है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेयर प्रक्रम बॉक्साइड से हमें बॉक्साइड के सांद्रण करने के लिए हम इस समय बेयर प्रक्रम का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि एल्युमिनियम के इस अयस्क का सांद्रण भी हम तीन तरीके से करते हैं जिसका विवरण आपको एल्युमिनियम के निष्कर्षण में दिया जाएगा। तो बॉक्साइड आपका सांद्रित हो चुका है किस रूप में, Al2O3 के रूप में। इस तरीके से हमारा ये कंसंट्रेशन के चारों प्रक्रम पूरे हो चुके होते हैं यानी पूरे हो जाते हैं। और अब हम आगे की चर्चा हम जो भी करेंगे अब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी को वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद।